पहला सवाल है कि 25 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण कहां आयोजित होगा? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फीफा फुटबॉल वाला विश्व कप नहीं है, ये फीफा का बास्केटबॉल विश्व कप है जो कि 2023 में होगा और मनीला में होगा। 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये जो है संपन्न होगा 2021 में, वो भी भारत में संपन्न होने वाला है। और अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य में 11वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि 2021 में होगा आयोजित की जाएगी? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसको 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वह फुटबॉल के अलावा किस खेल से संबंधित थी? तो चुन्नी गोस्वामी जो है वो फुटबॉल के अलावा क्रिकेट भी खेलती थी। अगला है कि 25 अप्रैल 2020 को किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनका नाम है सनामीर। 6 अप्रैल 2020 को किस खिलाड़ी को विश्व वन्य जीव कोष की भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथन आनंद। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। 7 अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईवा ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत से वापस लेकर के किस देश को दे दिया है? देखिए, पहले इसकी मेजबानी का अधिकार भारत को दिया गया था, लेकिन जो है आईवा जो क्या कहते हैं कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का एक प्रकार से मैनेजमेंट संस्था होती है, वही उसको आयोजित करवाती है, तो इसने इसको लेकर के सर्बिया को दे दिया है। अगला है कि 20 से 28 नवंबर 2021 के मध्य एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये शांताओ में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2019 में जर्मन लीग बुंडेंस लीगा में बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेलने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन हैं? कुछ सवाल देखते हैं। दिसंबर 2019 में जर्मन लीग बुंडेंस लीगा में बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेलने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो भारतीय मूल के इस पहले फुटबॉलर का नाम है सरप्रीत सिंह। अगला है कि 24 नवंबर 2019 को संपन्न भारत बांग्लादेश के मध्य आयोजित दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने को ने माने कि भारत और बांग्लादेश में जो ये टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी, दो टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी, इसको भारत ने 2-0 से जीत लिया है। इस टेस्ट सीरीज में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा ईशांत शर्मा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विराट कोहली नहीं है, ईशांत शर्मा यहाँ पर सही होगा। 14 दिसंबर 2019 को संपन्न अर्जेंटीना चैंपियंस ट्रॉफी जो कि फुटबॉल के लिए थी, इसके पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा रेसिंग क्लब। और नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2019 को संपन्न महिला बिग बैश लीग 2019-20 में किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो इसका उत्तर होगा सोफी डिवाइन। देखिए, इस तरीके के खिलाड़ियों के नाम मैचिंग फॉलोइंग में आ जाते हैं मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए। और अगला है कि पहले जीवित स्विस नागरिक कौन है जिनके सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार की आधिकारिक टकसाल जिसका नाम स्विस मिंट है ने दिसंबर 2019 में 20 फ्रैंक मूल का एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? तो इनके खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर। और रोजर फेडरर के बारे में आप कई बार सुनते होंगे कि कई खेलों में इन्होंने कई खिताब जीत चुके होते हैं, तो इनका नाम मशहूर है और ये स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। वहाँ की टकसाल ने 20 फ्रैंक मूल का इनके नाम से सिक्का जारी किया है। 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा गुवाहाटी। 17 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर चुना है? तो जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर चुना गया है दीपक पुनिया को। और अगला है कि 19 नवंबर 2019 को किस राज्य में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट शुरू करने की घोषणा की गई? तो राज्य का नाम है असम राज्य में, भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो है असम राज्य है, वहां पर ओलंपिक खेल से संबंधित जो है ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट शुरू करने की घोषणा की गई है। और अगला है कि 24 नवंबर 2019 को संपन्न डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप 2019 का खिताब स्पेन ने जीता है। और आप कमेंट में बताइएगा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, और मैंने अपनी पीछे के वीडियो में इसका डिस्कशन हालांकि मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप बताइएगा। 4 नवंबर 2019 को संपन्न देवधर ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो देवधर ट्रॉफी 2019-20 का खिताब इंडिया बी टीम ने जीता है।